इस्लामिक नाजरीन प्रोग्राम स्टूडियो वन दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन ज़िया। नाजरीन दो हुकूमती जमातां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे विच इक वारी फिर जिहड़ी महाजराई दी फिज़ा है उह बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। दोवां पासिओं तंदो तेज़ किस्म दे जिहड़े बयानात ने आ रहे ने, खास तौर ते असीं देखने कि इस मौके दे उत्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दी जिहड़ी क्यादत है उह बड़ी अग्रैसिव नज़र आउंदी है सानूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दी क्यादत दे खिलाफ। कुछ दिनों पहले जिहड़ा इक बयान आया मैं इत्थे तुहानूं पढ़ के सुणावांगा कि सदर आसिफ अली जरदारी का बयान सी कि मुफाहमत की पॉलिसी को कमजोरी ना समझा जाए, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वजीर आजम का कहना सी कि जी जमहूरियत पर अब कोई शब खून नहीं मार सकता। ईवन बाबर अवान साहब का बयान जो एक दिन पहले जरा मैं अखबार ही आया वो उन्होंने कहना है कि मियाँ मुहम्मद नवाज शरीफ साहब जड़े ने उन्होंने पहले अपनी सियासत की थी जरनैलों के पिछले लुक के, अज वो सियासत कर रहे हैं दलिया के पिछले लुक के। यह जो बयानात ने क्लीयर कट जी इंडीकेशन शो करते हैं कि इस टाइम जड़िया दोवें जमातों ने वह महाजराई की उस सतह के उत्ते पहुँच चुकी ने जिथे सानू यह जो सा जहाज़ है सियासत का या जो जहाज है जमहूरीत का चलता नज़र नहीं आ रहा। असल सूरत हाल की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्यादत इस बारे की सोचती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स ने इस बारे की सोचते हैं। साढ़े नाल जो मेहमान मौजूद ने वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ना सिर्फ वर्कर ने बल्कि अज एक कायदी भी जी हैसीयत रखते हैं। मौजूद ने साढ़े बिलाल यासिन साहब इस टाइम रुकने कौमी असम्बली ने, इस तो पहले रुकने पंजाब असम्बली भी रहे ने, वाइस चेयरमैन वासा भी रहे ने। सो सियासत दे जिहड़ा दशत है अंदर इन्हां दी इक लंबी समय ने जदोजहद अज इन्हां नाल गल करने आ। बहुत शुक्रिया बिलाल यासिन साहब तुसीं साडे कोल आए। की सिलसिला चल रहा है जी, जिहड़ा इस टाइम बाबर अवान साहब भी बड़ा जबरदस्त किस्म के बयानात दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, हत्ता कि कुछ दिन पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी फिर बयान आया और निकल के बाहर आया और उन्होंने कहा कि जी अदलिया के खिलाफ साजिश हो रही है और बाबर अवान साहब का जिहड़ा रोल है उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन सानूं नज़र आ रहा है कि इस टाइम दरम्यान कोई जिहड़ा एक सानूं जिहड़ा नज़र आ रहा तूफान थमदा नज़र नहीं आ रहा, एक महाजराई जिहड़ी है वधदी चली जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा साहब थोड़ा बहुत शुक्रिया तुसी मदू कीता, तुसी इको सांस दे विच काफ़ी ज़्यादा सवाल कर देते हैं, इस वास्ते मैं भी कुछ जनाब को टाइम चाहवागा कि टाइम दे, मैं भी इन्हें साथ सब तमाम सवालों कवर करने की कोशिश करांगा। एक तो है कि भाई खुदा ना खास्ता पाकिस्तान दे विच जमहूरीयत नूं कोई खतरा है तो मैं उस चीज़ नूं तो डिनाई करना है कि ऐसा मामला नहीं है। उसकी वजह यह नहीं कि भाई कोई गवर्नमेंट बहुत रिस्पोंसिबल शॉर्ट प्ले कर रही है, उसकी वजह है कि जी पाकिस्तान की वड्डी सियासी जमात है जिहदे कोल पंजाब दे विच गवर्नमेंट भी है और जिहड़ी पाकिस्तान की तारीख दे विच इस वक्त बहुत घट होया कि भी 90+ MNAs दे नाल कौमी असैम्बली दे विच अपोजिशन कर रही है। तो वो पार्टी के जिहड़े कायद ने मियाँ नवाज शरीफ वो इस वक्त मैच्योर पॉलिटिक्स की तरफ उन्होंने जो सफ़र गामजन है और ये कौम नू पाकिस्तानी कौम नू और सानू तुहानू किसी फिक्र की जरूरत नहीं कि खुदा ना खास्ता कोई दोबारा तो फिर कोई इस तरह का कोई पाकिस्तान दे विच वो फाउल प्ले होएगा जिहदे नाल पाकिस्तान की जिहड़ी आवाम और पाकिस्तान का जो मुल्क के पाकिस्तान है वो फिर दोबारा तो जमहूरी तुसीं ते बड़े श्योरिटी दे नाल गल कर रहे हो कि जनाब ऐसा कोई जमहूरीयत नू खतरा नहीं, लेकिन यह जो बयान आ रहे हैं जी उन्होंने तेजी है पहले तो महदूद सी मुस्लिम लीग नून के बारे बयानात क्यादत में इन्ना ज़्यादा टच नहीं सी कर रहे फैडरल मिनिस्टर, हम असं ये देखने कि जो बयानात का सिलसिला है वो जो पाकिस्तान मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की समय असं सैकेंड क्यादत कहांगे यानी सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म कढ़ के जो फैडरल मिनिस्टर ने वो भी डायरैक्टली मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़ात के उत्ते हमला कर रहे हैं और उन्होंने बड़े बड़े सख्त जुमले कह रहे हैं, एक किस गल की निशानदेही है? देखो मैं एक चीज़ गुजारिश करना चाहवागा कि थोड़ा जहा सू ना पास्ट ही जाना पेगा कि ये मामला तो कोई एक दिन के जो जनाब फरमा रहे हैं कि जी जी पीपल्स पार्टी की सैकेंड जी लीडरशिप है उन्होंने जोड़े हमले ने वो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप वाल यानी मेरे कायद नवाज शरीफ वाल हो, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा जहा सू पिछे जाके ना थोड़ा देखना पेगा फिर सू पॉलिटिक्स खुद ही वाजे तौर पर सू नज़र आ जाएगी। ये सिलसिला उदो शुरू होया जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तुहानू पता है कि जो 2008 के इलैक्शन होए तो एक मुफाहमत के नाल इलैक्शन होए सब दोनों सारिया पार्टियां जी पाकिस्तान की मेन पार्टियां सन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून
मतलब बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ ए दोनों ने एक एक तहरीर दी और पाकिस्तान की आवाम ने खुशियां मनाई कि शुक्र है कि ये साढ़े दो रहबर ने दो रहनुमा ने जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की वास्ते अपने जोड़े गिले शिकवे अपन कुताइया एक दूसरे को इग्नोर करके एक दूसरे भाईचारे न दोनों भैन भाई बन के चलन गए और पाकिस्तान तरक्की दे तरफ जो सफ़र है वो तरफ गामजन होएगा। मगर शायद कुदरत कुछ होर मंजूर सी मुहतरमा एक धमाके के जो एक शहीद हो गई हैं उन्होंने शहीद करता गया उसके बाद हादसती तौर पर या जो भी एक फौरी तौर पर जो सूरत सिचुएशन उभरी थोड़े सब के सामने है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो एक मुहब्बत भरा पैगाम से बीबी की शहादत के बाद किसी को ढकिया छुपया नहीं है बल्कि मैं इतों तक भी कहूँगा और मैं खुद इस चीज़ का थोड़े मीडिया के थ्रू विटनेस है कि जो मुहतरमा शहीद हुए सन तो पीपल्स पार्टी के जोड़े उस वक्त लोग सन जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान सन जो सियासी कारकुन सन उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब वाल मुखातब करके कहा कि मियाँ साहब मुहतरमा का बदला हूँ तुम लैना एक मुल्क के फजा इस तरह की सी जो पॉजिटिव जोड़े जोड़े कारकुनान से उन्होंने उम्मीदा उन्होंने तवक्कोआत का मरकज़ मियाँ मुहम्मद नवाज लेकिन असं यह देखना बदला।